माइलेज वाला बाइक लेना चाहते हैं 125 सीसी सेगमेंट में, तो आप जो है इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। 125 सीसी का काफी रिफाइंड इंजन दिया गया है इस बाइक में, जो है E20 अपडेट भी हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख लें, इसके रिम में जो है आपको ऑरेंज कलर का रिम टेप दिया गया है, और इधर जो है आप लोग देख लें, इसमें आपको कोई भी तरह का रिम टेप नहीं दिया गया। तो यहाँ पर एक जो है डिफरेंसेस आ रहा है दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं होंडा SP125 के ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट को, और इधर आप जो है इसके स्पोर्ट वेरिएंट को देख लें। स्पोर्ट एडिशन को जो है कंपनी ने अभी 2023 में लेटेस्ट लॉन्च किया है। इस बाइक में जो है आपको अभी दो नए कलर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ये जो है इसका ब्लू मेटेलिक कलर है, और इसमें जो है आपको ग्रे मेटेलिक कलर भी मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इन दोनों बाइक्स को मैं डिटेल में कंपेयर करने वाला हूं। अगर आप भी जो है 2023 के फेस्टिव सीजन में 125 सीसी में SP125 को लेना चाहते हैं, तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। इस वीडियो में जो है आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं कि दोनों ही बाइक में क्या क्या डिफरेंसेस है, प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता देता हूं दोनों ही बाइक्स का प्राइस। SP125 में मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि इसमें जो है आपको थ्री वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है। पहला वेरिएंट जो है इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, फिर आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, और अब जो है आपको स्पोर्ट एडिशन भी मिलता है। तो ये जो है इसका ड्रम ब्रेक वाला मॉडल है। तो हमारे यहाँ झारखंड में जो है इस बाइक का ऑन रोड प्राइस 1,04,000 के अप्रोक्स में जा रहा है। अगर आप जो है इसके डिस्क ब्रेक वाले वेरियंट को खरीदना चाहेंगे, तो उसका ऑन रोड प्राइस जो है 1,08,000 के अप्रोक्स में जा रहा है। और अगर आप जो है इसके स्पोर्ट वेरिएंट को खरीदना चाहेंगे, जो कि इसका स्पोर्ट एडिशन है, तो इसका ऑन रोड प्राइस जो है 1,08,500 के अप्रोक्स में जा रहा है। और जो है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, स्पोर्ट एडिशन में जो है आपको ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट नहीं मिलेगा। आपको जो है इसमें सिर्फ कंपनी डिस्क ब्रेक के साथ इस बाइक को प्रोवाइड कर रही है। अब जो है इस बाइक के माइलेज की अगर बात करें, तो इस बाइक का जो है माइलेज काफी शानदार है। अगर आप जो है एक माइलेज वाला बाइक लेना चाहते हैं 125 सीसी सेगमेंट में, तो आप जो है इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। 125 सीसी का काफ़ी रिफाइंड इंजन दिया गया है इस बाइक में, जो है E20 अपडेट भी हो चुका है। OBD2 E20 कॉम्प्लाइंट इंजन दिया गया है। आप इस बाइक में जो है 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल को भी डलवा सकते हैं। अब माइलेज की अगर बात करें, तो बाइक में जो है आपको 65 KMPL का माइलेज जो है बाइक में काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। स्पेशल थैंक्स टू तिवारी होंडा जामताड़ा, जिन्होंने ये बाइक हमें रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप भी जो है नियर बाय एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शोरूम में विजिट कर सकते हैं। शोरूम में आपको जो है होंडा का सभी बाइक्स और स्कूटर अवेलेबल मिल जाएगा। और शोरूम का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है आपको मेरे स्क्रीन में फ्लैश कर रहा होगा, आप जो है नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब जो है दोनों ही बाइक के डिफरेंसेस की अगर बात करें, तो आप जो है फ्रंट प्रोफाइल से दोनों ही बाइक को देख रहे हैं। दोनों ही बाइक में जो है आपको कोई भी तरह का डिफरेंसेस नहीं मिलता है फ्रंट प्रोफाइल से। सिर्फ जो है आपको ग्राफिक्स का डिफरेंस दिखेगा। ये जो है इसका ब्लू मेटेलिक कलर है, इसमें आपको जो है ऑरेंज और ग्रे कलर का स्टिकर दिया गया है, और ये जो है इसका ब्लैक विथ रेड कलर है। तो इसमें आपको जो है यहाँ पर सिल्वर और रेड कलर का स्टिकर दिया गया है। वाइजर सेक्शन एकदम सिमिलर है। अगर आप जो है इग्निशन को ऑन करते हैं, तो हेडलाइट इसका ऑन हो जाता है, और इसमें जो है आपको कंप्लीटली LED लाइट का सेटअप दिया गया है। हाई बीम लो बीम जो है आपको LED में मिलता है। आप यहाँ से लो बीम हाई बीम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। नाइट में जो है विजिबिलिटी आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छा मिलेगा। कंप्लीटली LED लाइट का सेटअप है, उस वजह से जो है विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। इंडिकेटर को आप लोग देख लें, हेलोजन बल्ब में है, और इधर भी आपको जो है सेम सेटअप दिया गया है। यहाँ पर भी आपको जो है LED लाइट का सेटअप मिलता है, इंडिकेटर हेलोजन बल्ब में दिया गया है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, मडगार्ड आप लोग देख लें। ये जो है इसमें आपको ब्लैक कलर का मडगार्ड मिलता है, इसमें जो है आपको ब्लू मेटेलिक कलर का मडगार्ड दिया गया है। दोनों में जो है आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, दोनों ही तरफ जो है आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। एलॉय के साइज की अगर बात करें, तो दोनों में जो है आपको 18 इंच के एलॉय व्हील मिलता है। 100x80 सेक्शन का टायर दिया गया है, ट्यूबलेस। यहाँ पर आप लोग देख लें, इसके रिम में जो है आपको ऑरेंज कलर का रिम टेप दिया गया है, और इधर जो है आप लोग देख लें, इसमें आपको कोई भी तरह का रिम टेप नहीं दिया गया। तो यहाँ पर एक जो है डिफ्रेंसेस आ रहा है, इसमें आपको स्टिकर नहीं मिलता है, उसमें स्टिकर दिया गया है। ये जो है इसका ड्रम ब्रेक वाला मॉडल है, तो इसमें आपको फ्रंट में जो है 130mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। बाइक में जो है आपको सेफ्टी फीचर्स भी दिया गया है, काफ़ी अच्छा कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है सिर्फ डिस्क ब्रेक मिलेगा। स्पोर्ट एडिशन में जो है ड्रम ब्रेक नहीं आता है, तो इसमें आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। इसका रिम टेप आप लोग देख लें, काफ़ी स्पोर्टी वाला लुक निकल के आ रहा है। अब जो है साइड प्रोफाइल से दोनों ही बाइक का लुक हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। साइड प्रोफाइल से बाइक का लुक देख लें। मुझे जो है पर्सनली इसका ब्लू मेटेलिक कलर अच्छा लग रहा है। इसमें ग्राफिक्स भी जो है काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ आप लोग देख लें, ग्रे और ऑरेंज कलर का आपको ग्राफिक्स जो है एकदम पीछे तक मिलता है। SP125 स्पोर्ट एडिशन का आपको स्टिकर दिया गया है, काफ़ी अच्छा जो है इसके स्टिकर का डिज़ाइन दिया गया है। आप जो है मीटर कंसोल की अगर बात करें, तो इसमें आपको जो है
फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिया गया है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, यहाँ पर आप रियल टाइम माइलेज को देख सकते हैं, गियर पोजिशन इंडिकेटर का पता चल जाता है, बाइक में किल स्विच है, आप यहाँ से बाइक को स्टार्ट भी कर सकते हैं, आप एग्जॉस्ट का साउंड भी एक बार सुन लें। तो दोस्तों, बाइक का एग्जॉस्ट का साउंड आप लोगों को कैसा लगा ये भी जो है आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताएं। एग्जॉस्ट का जो है आप लोगों को उस बाइक में भी सेम साउंड मिलेगा, क्योंकि दोनों का इंजन जो है सिमिलर है, उसके साथ जो है कंपनी ने कोई भी छेड़खानी नहीं किया है, सिंगल पीस में हैंडल बार है। टैंक जो है 11.2 लीटर का दिया गया है। यहाँ पर E20 का स्टिकर आप लोग देख ही चुके हैं, दोनों ही बाइक जो है OBD2 E20 कॉम्प्लाइंट इंजन के साथ आ रही है। टैंक आप लोग देख लें, काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन में है। यहाँ पर आपको काउल जो दिया गया है, ये आपको फाइबर का मिलता है, होंडा का 3D लोगो मिल जाता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स सेटअप के साथ बाइक आती है। साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर दिया गया है। अब जो है बाइक के इंजन की अगर बात करें, तो दोनों ही बाइक में जो है आपको 123.94 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 फेज 2 वाला इंजन मिलता है, जो कि OBD2 E20 कॉम्प्लाइंट इंजन है। अब जो है इस बाइक में आपको और भी रिफाइंड इंजन मिलता है, BS6 फेज 2 अपडेट हो चुका है, तो माइलेज भी जो है बाइक में आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाइक में आप जो है 65 KMPL का माइलेज काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप लोग जो है इसके नॉर्मल एडिशन को देख लें, इसमें भी आपको डिजिटल में मीटर कंसोल दिया गया है। टैंक आपको 11.2 लीटर का मिल जाता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स सेटअप इसमें भी आपको दिया गया है। दोनों ही बाइक में जो है किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। सीट आप लोग देख लें, दोनों में आपको जो है सेम सीट दिया गया है। अगर आप जो है बाइक को डेली कम्प्यूट के लिए खरीदना चाहते हैं या फिर फैमिली पर्पस के लिए लेना चाहते हैं, तो लेंथ वाइज भी जो है सीट काफ़ी अच्छा है, आपको जो है इसमें काफ़ी अच्छा कम्फर्ट मिल जाएगा। आप इसके नॉर्मल एडिशन में देख लें, ये जो आपको ग्रैबरेल मिल रहा है ये जो है ब्लैक कलर में है, और इसके स्पोर्ट एडिशन में जो है आपको ब्लू मेटेलिक कलर का ग्रैब रेल दिया जा रहा है। रेयर टायर सेक्शन भी आप लोग देख लें, इसमें आपको जो है 100/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जो कि 18 इंच के अलॉय व्हील पे माउंट है। इसके जो है आपको एलॉय में ऑरेंज कलर का रिम टेप दिया गया है, लेकिन इसके एलॉय में आपको रिम टेप नहीं मिलता है। दोनों बाइक में जो है आपको रेयर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है और रेड कलर का दिया गया है, काफ़ी स्पोर्टी वाला लुक आपको मिलेगा। इसमें भी आप लोग देख लें, रेड कलर का दिया गया है, आप यहाँ से की लगा के सीट को खोल सकते हैं। रेयर प्रोफाइल से जो है दोनों ही बाइक का लुक सिमिलर है। आपको जो टेल लैंप है वो हेलोजन बल्ब में मिलता है, इंडिकेटर हेलोजन में दिया गया है। बाइक में जो है आपको ESP टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है। यहाँ पर आप जो है ESP का ब्रांडिंग देख लें, इधर भी आप लोग देख लें नॉर्मल एडिशन में, यहाँ पर भी आपको ESP टेक्नोलॉजी का ब्रांडिंग मिल जाता है। और जो एक मेन डिफरेंस है दोनों ही बाइक में, आप जो है एग्जॉस्ट को देख लें, एग्जॉस्ट का जो आपको मफलर मिलता है ये जो है आपको क्रोम प्लेटेड मिलता है इसके नॉर्मल एडिशन में, और अगर आप जो है इसके स्पोर्ट एडिशन के साथ जाते हैं तो आपको इसका जो मफलर है ये ब्लैक कलर का मिल जाएगा। मैं ये आपको खोल कर भी दिखा देता हूं, ये आप लोग देख लें, यहां पर जो है आपको ब्लैक कलर का दिया गया है, जिससे कि लुक काफ़ी अच्छा है। इसमें क्रोम एलिमेंट आपको नहीं मिलता है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा बहुत आपको क्रोम भी मिल जाता है। तो दोस्तों, दोनों में से आपको जो है कौन सा बाइक बेहतर लग रहा है, आप यदि 2023 में 125 cc सेगमेंट में SP125 लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप जो है इनमें से कौन से बाइक को खरीदना चाहेंगे, इसके ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट को खरीदना चाहेंगे या फिर इसके डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट को या फिर इसके स्पोर्ट एडिशन को, आप जो है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग जो है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।